हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज़ दीपिका. आप देख रहे हो स्टडी विद कंफर्ट. और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एक पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. दैट वाज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, जिसके थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल रखती है ओवर द पब्लिक फाइनेंस. आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द वेरियस कमेटीज़ जिनके थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल करती है ओवर द पब्लिक दैट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो ये वेरियस कमेटीज़ हम डिस्कस करेंगे. सो डिटेल में डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर मेरे वीडियोज़ आपको हेल्पफुल हो रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो आज मैंने एक और इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, होप सो. ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपके प्रीवियस ईयर्स के, मैंने उन्हें भी इंक्लूड किया है. मेरे पास ये आपका बीए का आपका अनसॉल्व पेपर है, अगर दिख रहा हो आपको तो इसमें से मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को भी इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि जो हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं. ओके, तो जैसे कि मैंने ये लिया है आपका बीए थर्ड ईयर का, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द एस्टिमेट कमेटी. सो ये हम आज जो पढ़ रहे हैं वो ये तीन कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. इनके कंपोजिशन क्या है, इनकी मेंबरशिप कैसे होती है, मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, देन फंक्शंस एंड रोल क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे. तो पहले एक बार क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू ले लें, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमें टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है, राइट. तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें देखो पूछा है कंपोजिशन के बारे में लिखना है, फंक्शंस के बारे में लिखना है एंड पावर्स के बारे में लिखना है. किसके बारे में? एस्टिमेट कमेटी. देन सेकंड है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन द कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. सो क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब आपको शॉर्टकमिंग्स भी इस पार्लियामेंट्री कमेटी की लिखनी है, राइट, कि किस तरीके से ये काम करते हैं. इस तरीके से नेक्स्ट पूछा है कि फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो हम आज पढ़ेंगे. तो ये ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस भी करना. इसका पार्ट वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हो. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सब कुछ एक बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं पहले, कि जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं इन इंडिया में, उसके कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, कई सारे टाइप्स हैं. तो पहला सब मेजर कैटेगरी है स्टैंडिंग कमेटीज़. और स्टैंडिंग कमेटीज़, देयर आर सिक्स काइंड ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज़. इसमें हमारा फाइनेंशियल कमेटीज़ आता है, और इस फाइनेंशियल के कमेटीज़ के अंडर ही हम ये तीनों कमेटीज़ को आज डिस्कस करेंगे, राइट. तो स्टैंडिंग कमेटीज़ में आपके फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ आता है, और स्टैंडिंग कमेटीज़ आपकी ये परमानेंट इन नेचर होती हैं, राइट. सेकेंड कैटेगरी है एडहॉक कमेटीज़. सो एडहॉक कमेटीज़, जैसे कि एडवाइजरी कमेटीज़, इंक्वायरी कमेटीज़, तो एडहॉक इन्हें इसलिए बोला गया है कि बिकॉज दीज आर टेम्पररी इन नेचर, राइट, दे आर नॉट परमानेंट. जब भी कोई ऐसा काम पड़ता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है डिजिटल करेंसी के लिए, राइट, जैसे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक कमेटी बनाए और वो उसमें एक्सपर्ट लोगों को लाए वो, और वो सजेशंस दें कि किस तरीके की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला सकती है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड. ओके, तो गवर्नमेंट एक एडहॉक कमेटी बनाएगी, जिसे एडवाइजरी कमेटी कहेंगे, जिसमें कुछ एक्सपर्ट होंगे और वो रिपोर्ट तैयार करेंगे उस पर. सो इस तरीके, अब जब रिपोर्ट दे दी उस कमेटी ने, उसका काम ख़त्म हो गया, और जो कमेटी है डिसेबल कर दी जाएगी. तो ये होती है एडहॉक कमेटीज़. तो हम चलते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़, जिसमें हमें फाइनेंशियल कमेटीज़ डिस्कस करना है. पहले हम डिस्कस करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी को. ओके, ये आप सेव कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर, ये आपके बहुत काम का हो सकता है. और हाँ, एक और न्यू इनिशिएटिव है कि ये इस तरीके के फ्लो चार्ट अगर आप बना सकते हो तो ये आपको मतलब याद करने में बहुत आसानी होती है. जब मैं डिस्कस कर लूँगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, देन आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड, जहाँ पर मैं बताऊँगी आपको कि किस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाकर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. ओके,
सो पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी इन द इंडियन लेजिस्लेटिव अफेयर्स. हुआ है क्योंकि ओल्डेस्ट इसलिए कहा जाता है कि 1991 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपका जब 19 में लाया गया, राइट, इसके बाद से आप देखेंगे कि इसके बारे में बात चली और ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई कि कोई ऐसी हमें बॉडी चाहिए होगी, कोई ऐसी कमेटी चाहिए होगी जो एक नज़र रख सके किसके ऊपर, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर, और अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सके जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी, जो गवर्नमेंट है उसकी. तो इसके लिए ये पार्लियामेंट्री ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी 1921 में. मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबरशिप इसकी 22 मेंबर्स होते हैं. लोकसभा से 15 मेंबर्स लिए जाते हैं, 15, एंड राज्यसभा से 7 मेंबर्स लिए जाते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक कंपोजिशन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी. और जो मेंबर का इलेक्शन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सो ये एक टाइप ऑफ इलेक्शन है जो यहाँ पर प्रिफर किया जाता है. अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो जो पार्लियामेंट है वहाँ पर एक पार्टी या दो पार्टी तो है नहीं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. तो जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसके मेंबर्स पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, इसलिए ये इलेक्शन मेथड लिया जाता है. ओके, डिटेल में जानने के लिए हम लोग एक इलेक्शन मेथड पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे. देन रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए यहाँ पर, तो आपके जो जितनी भी पार्टी, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मेथड है ये इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन में, तो जितने भी जो पार्टी हैं उनके जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस कमेटी में. देन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कैसे होता है, सो अप्रैल में हर साल जो आपका जो लोकसभा में एक मोशन लाया जाता है इससे रिलेटेड, वो मोशन होगा आपका किस कोई मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर या चेयरमैन ऑफ द कमेटी लाएगा कि हाँ इस तरीके की जो पार्टी हमें कमेटी है वो सेटअप करना है. तो ये हर एक साल में इसके इलेक्शन होते हैं, तो ये परमानेंट इनका नेचर है, राइट. सो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, अब चेयरमैन का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, मेंबर्स का तो हमने देख लिया कि लोक जो जैसे जो लोकसभा के 15 मेंबर्स आते हैं उनका लोकसभा में होगा, जो 7 राज्यसभा से आते हैं वो राज्यसभा से चुने जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. लेकिन जो चेयरमैन है, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, हर कमेटी का एक चेयरमैन होगा जो उस कमेटी को लीड करेगा, हेड करेगा. सो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होगा उसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, राइट, ये ध्यान रखना है. अब देखो मैं इस तरीके से हाईलाइट भी किया है, तो जब आप अपने आंसर लिखोगे तो इस तरीके से अंडरलाइन भी आपको करनी होगी. ओके, तो जो चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी है अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, ये ध्यान रखना है. ओके, अब एक चीज़ और, जैसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो उसमें कन्वेंशन पढ़े थे बहुत सारे, सेकंड ईयर का आपका शायद ये आपने भी पढ़े होंगे कन्वेंशन, जहाँ पर कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे नहीं होते, बाय प्रैक्टिस या आउट ऑफ कस्टम या ट्रेडिशन वो फॉलो किए जाते हैं. तो आप देखते हैं कि जब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अनरिटन इन नेचर, तो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं, इंडिया में भी हैं बहुत सारे कन्वेंशन, तो दिस इज़ वन ऑफ दैट कन्वेंशन कि जो चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जिसे स्पीकर अपॉइंट कर रहा है, ये आपका कहाँ से होगा, मेन अपोजिशन पार्टी से. ओके, और ये कन्वेंशन आपका शुरू हुआ है 1967 एंड 68 से. अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जब अपोजिशन का चेयरमैन होगा तो वो हम बेटर सुपरविजन रख सकेंगे गवर्नमेंट में, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो कौन कर रहा है, पैसे का खर्च करना, पैसे लेना, इकट्ठे करना, ये काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है. तो अगर हम गवर्नमेंट में सही से सुपरविजन करना है तो अपोजिशन का ही इसमें एक वो सुपरविजन रखना पड़ेगा, तभी बेटर अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. अगर हमें रूलिंग पार्टी का ही कोई बैठा देंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो तो हर चीज़ में टिक 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 यस 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 हो जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, गेटिंग इट. सो दिस इज़ द रीज़न दिस कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का दैट वुड बी फ्रॉम अपोजिशन पार्टी या ग्रुप जो लोकसभा का है. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में,
इवन सभी फाइनेंशियल कमेटीज़, चाहे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, चाहे एस्टिमेट कमेटी हो, या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो, इसमें जो आपका मिनिस्टर्स होते हैं, दे कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ दैट कमेटी, राइट? सो मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल. एंड क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम मिनिस्टर्स के खिलाफ ही तो इंक्वायरी करेंगे, मिनिस्टर्स के खिलाफ ही तो जाँच करेंगे ना. तो मिनिस्टर्स कैसे उस कमेटी का मेंबर बन जाएगा? मिनिस्टर बन जाएगा वो तो कैबिनेट का मेंबर रहेगा, सब चीज़ें हाँ हाँ हो जाएंगी, राइट? तो हम सुपरविजन या कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? ये जो हमारी फाइनेंशियल कमेटीज़ है, इनका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रखना. तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मिनिस्टर्स उसका मेंबर नहीं होगा. ओके, सो टर्म ऑफ द ऑफिस, जो ये कमेटी के मेंबरशिप होती है, वो 1 ईयर के लिए, 1 साल एक बार में होती है, राइट? तो हर साल इस कमेटी को नए तरीके से सेटअप किया जाता है. ओके, सो ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपोजिशन, जिसे कह सकते हो, जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है. इसके बाद से रोल एंड फंक्शन या पावर की बात की जाए, तो किस तरीके की पावर्स दी गई है इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को, या किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस पर इसका एक ओवरव्यू लेते हैं. सो फर्स्ट है चेक ऑन द गवर्नमेंट. जो जब बात किसकी आती है, एक्सपेंडिचर्स बिल की जो बात आती है, उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट पे चेक रखती है, राइट? इसके बाद से एग्जामिन करती है ऑडिट रिपोर्ट को, जो कैग प्रोवाइड करता है, जो कैग पार्लियामेंट में रखता है. ओके, उसको एग्जामिन करेगी. इसके बाद से जो जो पार्लियामेंट अकाउंट, जो पैक है आपका पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, ये प्रमोट करता है बेसिक प्रिंसिपल्स को, दैट पार्लियामेंट्री बेसिकली एम्बडीज करती है, या एक तरीके से पार्लियामेंट में है कि चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव. आप देखोगे कि चेक एंड बैलेंसेस में जो हमारे एग्जीक्यूटिव होती है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाउस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारा लेजिस्लेटिव हाउस है, जो हमारा लोकसभा है. तो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी जो है, ये हेल्प करती है इस अकाउंटेबिलिटी को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टैब्लिश करने में. इसके बाद से जो पैप कमेटी है, ये चेक रखती है, या इस तरीके का सुपरविजन करती है कि जो मनी स्पेंट हो रही है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, वो उसी तरीके से हो रहा हो जिस तरीके से वो अलॉट किया गया हो, एलोकेशन उसका किया गया हो. ओके, फिर एग्जामिन करती है अकाउंट्स को. तो इस तरह मेजर फंक्शंस हो गए. तो अब अगर रोल एंड फंक्शन हो गए, तो सब अच्छा तो नहीं होगा ना, कुछ तो चैलेंजेस होंगे, कुछ तो शॉर्टकमिंग्स होंगी ना. जैसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन जब लिखने को आता है, तब आपका ये चैलेंजेस एंड शॉर्टकमिंग्स लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आपका आंसर हाफ माना जाएगा. ओके, सो ये चैलेंजेस या शॉर्टकमिंग्स ज़रूर लिखना उसमें. सो जैसे कि जो ये पैक कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको बहुत ही, मतलब जो रोल है उतना ही स्ट्रांग नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर पर चेक रख रहे हो, चेक एंड बैलेंस, और आप पब्लिक मनी पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर रहे हो. तो इसके इसके बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं. जैसे कि ये जो इसका एग्जामिनेशन जो हो रहा है, जो अकाउंट्स चेक कर रही है, जो एक्सपेंडिचर चेक कर रही है, ये तब चेक कर रही है जब हो गया हो, जब वो खर्चे हो चुके हों. तो फिर इस पर गवर्नमेंट ज़्यादा जो स्टेप्स है, ये कमेटी ले क्या सकती है, राइट? पावर्स कम बचती हैं. इसके बाद से जो डे बाई डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का या एग्जीक्यूटिव का, उस पर इंटरवीन नहीं कर सकती है ये कमेटी. इसके साथ ही जो ये कमेटी है, इसको ये पावर नहीं दी गई है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, उसको डिसअलाउ कर सके. ओके, इसके बाद से ज़्यादातर, मतलब सभी जो रिकमेंडेशन होंगी इस कमेटी, पैक कमेटीज़ की, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट के बाद जो रिकमेंडेशन देगी, या जब चेक कर देगी अकाउंट्स को, उसके बाद से जो रिपोर्ट देगी, तो वो क्या है, उस वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर होंगे, जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर बाइंडिंग्स नहीं होंगे. तो बट ऑब्वियस है, इसकी बहुत ज़्यादा फिर रोल नहीं रह जाता है, कि गवर्नमेंट्स तो फिर सुनेगी नहीं ना, वो अपने ही मन के उसने करना है. तो अगर ये बाइंडिंग नहीं बनाए जा रहे हैं, तो फिर जो अकाउंटेबिलिटी है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे इफ़िशियंट, या ये कह सकते हो कि बेटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एडवाइजरी इन नेचर है, नॉट बाइंडिंग इन द मिनिस्ट्रीज़.
इसके बाद से कोई ऑर्डर नहीं इशू कर सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती है, कुछ भी ऐसे चीज़ें नहीं हो सकते हैं जिससे कि एक एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग या सुपरविजन रखा जा सके एग्जीक्यूटिव पर। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, आप लिख लेना, इनको नोट डाउन कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स पे। फिर आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे कि डिस्पाइट ऑफ दीज शॉर्टकमिंग्स, क्या है ये जो कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिल्ड करने में हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत सारा पैसे गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट में खर्च किए। अब इस तरीके के एग्जाम्पल्स, जो रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन करना जब आप अपने आंसर लिखना, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है गवर्नमेंट की, काफ़ी अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम को जितना फंड एलोकेट किया था उसका मैक्सिमम फंड गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग या मीडिया प्रमोशन में राइट उसमें इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया। मतलब बहुत कम प्रोपोर्शन था उस स्कीम के फंड का जिसको एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज़ किया गया या टारगेट्स अचीव करने के लिए यूज़ किया गया हो। तो इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज़ को। तो एक पब्लिक ओपिनियन बनता है गवर्नमेंट का कि देखो गवर्नमेंट फालतू पैसे खर्च कर रही है या गवर्नमेंट ये काम अच्छा नहीं कर रही है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें करने में बहुत हेल्प मिलती है। दो की देर आर लॉट्स ऑफ शॉर्टकमिंग्स लिमिटेशंस, हमें कोशिश करना होगा कि इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को कितना बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके लिए कुछ एक दो आप वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो, जैसे कि इनके जो कुछ तो होना चाहिए, जो इनके जो ये रिकमेंडेशंस देते हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनको फॉलो करने चाहिए राइट, कुछ और इनको पावर देनी चाहिए जिससे कि ये कुछ एक्शन ले सकें अगेंस्ट दी रॉन्ग एक्टिविटीज़ ऑफ दी गवर्नमेंट। इस तरीके की चीज़ें आप मेंशन कर देना। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऑलरेडी पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है वहाँ पर। तो नेक्स्ट कमेटी में आते हैं हम, दैट इज़ एस्टिमेट कमेटी। तो एस्टिमेट कमेटी में के जो रूट्स हैं वो मिलते हैं प्री इंडिपेंडेंस में राइट। तो 1921 में जब ये कमेटी स्टैब्लिश की गई थी तब इसका एस्टिमेट्स कमेटी नाम नहीं था, तब इसका क्या नाम था, स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी इन 1921। फिर जॉन मिथाई ने रिकमेंड किया इस कमेटी के फाउंडेशन को और इसके आधार पर 1950 में इस कमेटी को अल्टीमेटली क्रिएट किया गया इन द नेम ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी। ओके, तो हो सकता है इसका जो फाउंडेशन डेट है आपको कहीं 1921 मिल सकती है, 1950 मिल सकती है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज राइट, दोनों अलग अलग चीज़ों को ध्यान रखना। सो मेंबर्स इसके कितने होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्टिमेट्स कमेटी के लिए कि जो 30 के 30 मेंबर हैं ना, ये सबके सब कहाँ से आ रहे हैं, लोकसभा से आ रहे हैं, ये लोअर हाउस से। राज्यसभा की मेंबरशिप एस्टिमेट कमेटी में नहीं है। ओके, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, आपको पता है कि वही सेम मेथड सेम प्रिंसिपल यूज़ किया जाएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देन अगेन कि जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी मेंबरशिप नहीं होगी कमेटी में। टर्म ऑफ द ऑफिस 1 ईयर, जो चेयरमैन है स्पीकर अपॉइंट करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पर जो चेयरमैन होगा दैट वुड बी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, कन्फ्यूज मत करना। ओके, सो रोल एंड फंक्शन की बात की जाए यहाँ पर, तो इसके फंक्शन क्या है, टू एग्जामिन द एस्टिमेट्स राइट, इंक्लूड इन सी बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो एस्टिमेट कमेटी का सबसे बड़ा जो मेन फंक्शन होता है, जो भी एस्टिमेट्स इंक्लूड किए गए थे बजट में उनको एग्जामिन करना कि वो एज पर द पॉलिसी है या नहीं है। ओके, और फर्दर ऑन दैट बेसिस पे जो आपकी एस्टिमेट कमेटी है सजेस्ट करती है इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। देन इट रिपोर्ट्स इट्स अ बजट एस्टिमेट अफेक्ट द इकोनॉमी। अगर इसका जो रिपोर्ट्स होता है वो जो इस जब एस्टिमेट्स का एग्जामिनेशन कर लेगी, तो जब एस्टिमेट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी पार्लियामेंट में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये ध्यान देने की बात है कि इसमें रहेगा कि कौन से ऐसे एस्टिमेट्स हैं जो इकोनॉमीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं राइट, उन पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है ताकि हम एक बेटर फाइनेंशियल सिस्टम या फ्लो ऑफ मनी, जो मॉनेटरी फ्लो है, उसको और बेटर कर सकें, इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरीके के सजेशंस अपने रिपोर्ट में देगी। देन इफिशेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म
जो पॉलिसीज़ में रिक्वायर्ड हो सकते हैं उनका सजेशन दे सकती है कमेटी। इसके साथ ही किस तरीके से हम इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसे और कैसे इफ़िशेंट बना सकते हैं, इसे और कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं, इसे कैसे और कैसे मतलब साउंड बनाया जा सकता है जिससे कि जो हमारे इकोनॉमिक टारगेट है उसे बेटर तरीके से हम अचीव कर सकें, राइट। तो इस आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है किसी भी कंट्री के लिए कि उसका जो मॉनेटरी फ्लो है ना वो अच्छा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। तो मॉनेटरी फ्लो जब अच्छा होगा देन ओनली एनी नेशन कैन अचीव द टारगेट्स जो इकोनॉमिक सेंस में है। और जब आप इकोनॉमिक सेंस के टारगेट अचीव करोगे, अपनी जीडीपी को बढ़ाओगे, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनाना है, तो इस तरीके के टारगेट्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो मॉनेटरी फ्लो है वो इफ़िशियंट हो, अच्छा हो, ताकि आप जो अदर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं उन्हें भी अचीव करने में हेल्प मिले। अदर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हर एक चीज़ आती है, जैसे जीरो हंगर, एजुकेशन हो गया, राइट, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गए, बहुत सारे उस गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो अचीव किए जा सकते हैं अगर आपकी जीडीपी ग्रो अच्छा होगा। तो ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल होगा उस कंट्री या उस नेशन का वो भी अचीव किया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो जो एस्टिमेट कमेटी है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर इसे सही से इसकी शॉर्टकमिंग्स को दूर किया जा सके और जो इसके एक्चुअल फंक्शंस हैं उनको अचीव किया जा सके, तो इनकी लिमिटेशंस क्या है, क्या प्रॉब्लम आती है इस एस्टिमेट कमेटी में। सो द पावर टू एग्जामिन द बजट, राइट, जो ये एग्जामिन करने की पावर है बजट को, इसके पास ऐसा नहीं कि ऑब्सोल्यूट पावर है। ऑब्सोल्यूट पावर का यहाँ पर ये मतलब है कि सिर्फ इसी कमेटी को हो टू एग्जामिन द बजट। आप देख रहे हो यहाँ देर आर 3 फाइनेंशियल कमेटीज, राइट, तो ये ऑब्सोल्यूट तो है नहीं। ऑब्सोल्यूट पावर ये तब होती एस्टिमेट कमेटी की जब बजट को एग्जामिन करने की पावर किसी और कमेटी या किसी और एजेंसी को नहीं होती, जैसे कि कैग हो गया आपका सीएजी, राइट, या इसके बाद से आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं उसकी इफ़िशेंसी वीक होती है। ओके, नेक्स्ट ये है कि जो ये कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, फिर उसी तरीके से ये तभी एस्टिमेट को एग्जामिन करती है जब उसमें वोट ऑलरेडी हो चुका होता है। तो जब ऑलरेडी बजट को वोट कर दिया गया है, बजट पास कर दिया गया है, तब अगर एग्जामिन कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा एस्टिमेट कमेटी की रिकमेंडेशन का, बिकॉज द थिंग्स हैव ऑलरेडी डन। ओके, फिर नो वेयर द पावर ऑफ क्वेश्चंस द पॉलिसीज, मतलब आप देखोगे कि जो एस्टिमेट कमेटी है इसको इतनी पावर नहीं दी गई है कि जो पॉलिसीज हैं उस पर क्वेश्चंस कर सके कि इस तरीके की पॉलिसीज क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसमें उस पॉलिसीज में अगर एस्टिमेट कमेटी देख रही है कि मान लीजिए 100 करोड़ का एलोकेशन किया गया एंड दिस 100 करोड़ का जो एस्टिमेशन दे रही है वुमेन मिनिस्ट्री उस स्कीम के लिए, तो दैट इज़ नॉट फिजिबल, राइट, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप इसमें से तो 80 करोड़ रुपीज़ आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में उसके एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट फिगर, दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू, राइट। सो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आप बस मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। तो अब 20 जो करोड़ है उसे ही सिर्फ आप एक्चुअल में यूज़ कर रहे हो टू अचीव द टारगेट। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ पे जो के एस्टिमेट्स का जब एग्जामिन करेगी एस्टिमेट कमेटी, तो क्वेश्चन नहीं कर सकती कि भाई आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों 100 करोड़ दे रहे हो, रिक्वायरमेंट तो 50 करोड़ की है, क्योंकि 80 करोड़ तो आप एडवर्टीजमेंट में खर्च करने जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, राइट। बस इनकी जो रिकमेंडेशन होगी दैट इज़ अगेन एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉन बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द पार्लियामेंट, राइट। तो इस तरीके के जो पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देगी एस्टिमेट कमेटी अपनी रिपोर्ट में, सो दैट इज़ एडवाइजरी इन नेचर ओनली। तो फिर से वही हो गया ना कि वो तो डिपेंड करेगा पार्लियामेंट में कि रिकमेंडेशन को कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है
सी कमेटी डज नॉट एग्जामिन द बजट ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज, सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज एंड दीज पोर्टफोलियोज, राइट? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एस्टिमेट कमेटी टू एग्जामिन ऑल द बजट ऑफ द ऑल द मिनिस्ट्रीज, राइट? सो कुछ इंपॉर्टेंट चूज करेगी और उन्हें उस तरीके से उनके जो जो पॉलिसीज हैं, उनके एस्टिमेट्स हैं उन मिनिस्ट्रीज के, उसको एग्जामिन करेगी. तो इस तरह ये भी एक शॉर्ट कमिंग्स है कि हो सकता है कि आप सभी को, आप इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है ना कि आप सेलेक्टिव ले रहे हो मिनिस्ट्रीज़ को, फिर जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है उसे तो चूज़ ही नहीं कर रहे हो आप टू एग्ज़ामिन, उसे तो सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो टू एग्ज़ामिन. तो ये भी एक बहुत बड़ा शॉर्ट कमिंग है इसकी. इसे फर्दर आप वे फॉरवर्ड देते हुए कंक्लूड कर दोगे अपने आंसर को. फर्दर चलते हैं कमेटीज़ ऑन दी पब्लिक अंडरटेकिंग. सो पब्लिक अंडरटेकिंग हमने देखा था कि ये गवर्नमेंट के बिजनेसेस हो सकते हैं या गवर्नमेंट की सर्विसेज हो सकती हैं. सो गवर्नमेंट सर्विसेज एंड जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स में. एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जो ऑनरशिप होती है, जो मोर देन 51% स्टेक होल्डिंग है, वो किसकी है? वो गवर्नमेंट की है, राइट? तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स, हमने इसका वीडियो भी मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, ऑलरेडी हम लोगों ने इसे डिस्कस कर लिया है, आपने नहीं देखा तो देख लेना इसे. सो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हमने देखा था कि किस तरीके से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था. इंडिया एक वेलफेयर कंट्री है और यहाँ पे लॉट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस एंड वल्नरेबल सेक्शन है, जो सर्विसेज, जो डेली लाइफ की सर्विसेज है उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर, राइट? सॉरी, जो ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये जो हर कोई तो ओरो नहीं लगवा सकता है ना, तो हर कोई को क्या फिर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट स्कीम लाई है हर घर नल से जल, जो योजना ड्रिंकिंग वाटर की गवर्नमेंट लाई है कि 2024 तक गवर्नमेंट सभी घरों में ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएगी. तो इस तरीके से जो ये कंस्ट्रक्शंस हो रहा है लोगों का यहाँ पे पहुंचाने का, तो ये गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना. तो अब इस तरीके की चीज़ें सारे आपके पब्लिक अंडरटेकिंग्स में आएंगे. तो जो कमेटी है ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एंड दिस कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने होंगे. सो जो मेंबर्स हैं इसमें 22 मेंबर्स हैं, जस्ट लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस कमेटी का भी सेम कॉम्पोजिशन है, राइट? लोकसभा से 15 मेंबर्स रहेंगे, राज्यसभा से 7 मेंबर्स रहेंगे. जो इलेक्शन के मेथड है वो सेम रहेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू दी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. अगेन मैंने बताया कि ये इसीलिए अडॉप्ट किया गया है ताकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. आप देख रहे हो ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उन सबके मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा में. तो उनको सभी पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके उनके नंबर ऑफ द एमपीज़ या एमपीज़ के हिसाब से. तो इसलिए ये मेथड ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट किया गया. नेक्स्ट है जो टर्म होता है इस कमेटी का, दैट इज़ फॉर 1 ईयर, मतलब हर साल ये कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है. जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर अपॉइंट करता है, राइट? अब आते हैं, ये तो हो गया बेसिक कंपोजिशन अबाउट दी आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी. रोल एंड फंक्शन अगर हम देखें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कमेटी का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये आता है कि जो पब्लिक, जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, ये रिपोर्ट करती है या अकाउंट्स को एग्जामिन करती है जो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स हैं, राइट? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो इस तरीके से इनके इनके जो अकाउंट्स होंगे पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स के, उनके अकाउंट्स और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको एग्जामिन किया जाता है. देन अगर जो आपका CAG है ना, वो जो रिपोर्ट देखता है PSUs पर, आपको पता है कि CAG हर जो PSUs है उनके अकाउंट्स को ऑडिट करता है. तो जब ऑडिट के बाद CAG जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करती है, उस रिपोर्ट को भी एग्जामिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? आपकी कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग. ओके, नेक्स्ट जो पब्लिक, जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, इसे भी मेन वही चीज़ देखनी होती है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसकी क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस है या नहीं है, उस पर एक क्रॉस चेक रखना होता है. क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस.
तो जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हम एयर इंडिया की बात करें, तो एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, फिर उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। इसी तरीके से इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एग्जांपल है। तो अभी प्रेजेंट में बात की जा रही है कि कैसे इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक। तो जो गवर्नमेंट बैंक हैं, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अब इनकी अगर ये लॉस पे हैं, या जिस तरीके से अगर इनका जो NPA है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो बहुत ज़्यादा है, तो ये लॉस ही कर रहे हैं ना। जो गवर्नमेंट है उसे प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर रहे, तो गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी कि हमें इसे प्राइवेटाइजेशन करना है। सो दिस इज़ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो जैसे एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, राइट। तो जो ये कमेटी है, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसका एक काम और है कि ये देखना, इस पर नज़र रखना कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका बिजनेस कैसे रन हो रहा है, दैट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। देन इसके बाद से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी इफ़िशेंसी कैसे है, उसकी ऑटोनॉमी कैसे है, इन सब चीज़ों में चेक रखना, राइट। इसके बाद से जो परफॉर्मेंस है PSUs की, उससे रिलेटेड एडवाइजेस देना, राइट, सजेशंस देना गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, ताकि जो PSUs की जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस है उसे इंश्योर किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ओके, सो ये इसके फंक्शंस होते हैं। देन लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, वंस अगेन जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, ये जो भी रिकमेंडेशंस देगी अपनी रिपोर्ट्स पे आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ओके, सो वो जो रिकमेंडेशन है दैट और एडवाइजरी इन नेचर। अब एडवाइजरी है तो बट ऑब्वियस है कि जो गवर्नमेंट है उस पर वो नॉन बाइंडिंग होंगे। तो सिर्फ रिकमेंडेशन देने या सजेशन देना इज नॉट इनफ, ओके। सो कमेटी के पास कुछ तो पावर होनी चाहिए, इतना पावर देनी चाहिए कि वो कुछ एक्शन ले सके अगर कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट। सो दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन एज वेल एज द चैलेंज ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो नो रोल इन डिसाइडिंग द फंक्शनिंग। PSUs फंक्शन कैसे कर रही है, ऑपरेट कैसे कर रही है, इस पर कोई उसका रोल नहीं है। ऊपर से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो कमेटी है उसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, राइट, लैक इन द टेक्निकल एक्सपर्टीज। इस वजह से जो टेक्निकलिटीज़ हैं PSUs की, उसको बेटर जज नहीं कर पाते, बेटर एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये लिमिटेशंस आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमने डिस्कस किया है पब्लिक जो आपकी फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस्टीमेट कमेटी एंड कमेटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो ऑलरेडी पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर्स के सेमेस्टर्स पे, इन्हें प्रैक्टिस जरूर करके जाना। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर कि इस तरीके से फ्लो चार्ट, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने डिस्कस किया, तो हाउ इलेक्शन हैपन, हु इज द मेम्बर्स, राइट, वेन इट वॉज इट सेटअप, राइट, इस मेम्बरशिप कितनी है, चेयरमैन कौन होगा, इस तरीके के फ्लो चार्ट बनाना सीखो धीरे धीरे, ताकि आपको रिविजन में हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो आपका CAG है, उसके बारे में डिटेल में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।